राइट मैसेज, राइट कम्युनिकेशन, कंट्री इनसाइड न्यूज। देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज का यूट्यूब प्लेटफॉर्म। राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने पर राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता मनोज झा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। मनोज झा ने कहा है कि आज लोकतंत्र के लिए काला दिन है। इतना फास्ट ट्रैक राहुल गांधी का सदस्यता जाने दर्शाता है कि न्यायालय पर भी भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार अपना दबाव बना रही है। आप सुनिए इस वीडियो में मनोज झा क्या कह रहे हैं। देखिए, ये शर्मनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं समझता हूं संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में इससे बड़ा काला धब्बा कुछ है। जिस तीव्रता से ये निर्णय लिया गया, जिसके पीछे आधारहीन तथ्य और तर्क रह गए। कल ही तेजस्वी जी ने, डिप्टी सीएम हमारे दल के, उन्होंने कहा था कि विपक्ष के दलों को अब ये सोच लेना है कि लड़ाई का तरीका क्या होना चाहिए। और आज देखिए जो राहुल जी ने कैम्ब्रिज में कहा डेमोक्रेसी के पर संकट के बाद, आपने तस्दीक कर दी। आपके मनसा वाचा करना में डेमोक्रेसी के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है। और मैं समझता हूं कि सभी दलों को अब यह तय करना होगा, नागरिक समाज के साथ मिलकर के, लोगों के साथ मिलकर के, कि इस तानाशाही मनोवृत्ति को जमींदोज करना होगा। अन्यथा हिंदुस्तान का जो 75वें वर्ष आजादी में जो नुकसान हो रहा है ना, उसकी भरपाई कतई संभव नहीं होगी। ये सिर्फ राहुल गांधी का कि लोकसभा सदस्यता रद्द नहीं हुई है, लोकतंत्र मृत घोषित हुआ है। आज ऑफिशियल डिक्लेरेशन ऑफ द डेथ ऑफ डेमोक्रेसी।